आपके साथ यास्मीन। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म जबरिया जोड़ी आज थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ क्रिटिक्स ने फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों ने इस फिल्म को थम्स अप दिया है। दरअसल ट्विटर पर फिल्म को लेकर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। लव्ड वॉचिंग जबरिया जोड़ी, इट वॉज अ लाफ्टर राइट, कॉमेडी विद सेंसिबल सेंस ऑफ ह्यूमर। सिद्धार्थ मल्होत्रा डिड अ ग्रेट जॉब एज अ बिहारी बाहुबली। परिणीति चोपड़ा इज अ ब्यूटिफुल एज बबली। जावेद जाफरी अपार शक्ति एंड एवरीवन डिड ग्रेट जॉब एज सपोर्टिंग कास्ट। मस्ट वॉच जबरिया जोड़ी रिव्यू। फर्स्ट हाफ इज फुल ऑफ फन एंड सेकेंड हाफ इज फुल ऑफ एंजॉयबल ड्रामा। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज वेरी कन्विंसिंग एज अ गुड हार्टेड लवेबल रोग एंड परिणीति चोपड़ा इज क्यूट एज अ देसी फेसी गर्ल। गो फॉर इट, वी गारंटी यू फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। जबरिया जोड़ी आउटस्टैंडिंग स्टोरी, द परफॉर्मेंस ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा इज स्पीचलेस। फर्स्ट हाफ इज फेनोमिनल बट सेकेंड हाफ बिटर स्लो, फुल्ली एंटरटेनिंग। जबरिया जोड़ी इज अ वंडरफुल मूवी, आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव वॉच्ड अ गुड एंटरटेनिंग मसाला मूवी। एब्सोल्यूटली अमेजिंग डायलॉग्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय परिणीति, सिद्धार्थ, अपार शक्ति, डू वॉच इट गाइज। तो देखा आपने, दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। हर किसी ने फिल्म में परी और सिड की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है। प्रशांत सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पकड़वा विवाह पर बेस्ड है, जिसमें दहेज से छुटकारा पाने के लिए लड़कों को किडनैप करके उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। फिल्म में बेहद ही मजेदार डायलॉग्स हैं, जिसे सुनकर आपको खूब हंसी आएगी। बता दें कि पिछले कुछ सालों से परी और सिड दोनों का ही करियर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में हर किसी को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो पाती है या नहीं। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, बहुत अच्छी लगी, सुपर, बहुत अच्छी थी। इन लोगों का जो लव स्टोरी था ना, फंटास्टिक, बहुत अच्छा था, सुपर, बहुत अच्छा था। हाँ, हम लोग बहुत इंजॉय किए। हाँ, वो तो सबसे अलग था, बॉलीवुड से भी अलग था, भोजपुरी से भी सबसे अलग था, फंटास्टिक, सुपर। पाँच में से कितने स्टार देने चाहिए? क्या चीज़? पाँच में से कितने स्टार देने चाहिए? फोर। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी थी। क्या खास बात थी फिल्म में? फिल्म में मुझे लव स्टोरी उनकी बहुत अच्छी लगी एंड उनकी मीन्स बिहार की जो स्टोरी बताई है, मीन्स पहले ऐसा होता था लेकिन अभी तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी लगी स्टोरी भी उनकी, मीन्स कंटेंट जो थे वो भी बहुत अच्छी थी मूवी की, मीन्स बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगी उन लोग की। डायरेक्शन भी अच्छी थी उन्होंने, मीन्स जहाँ से उठाया है इनके स्टोरी को बिहार में, मीन्स ऐसी होती थी पहले वहाँ पे, इसलिए वो स्टोरी मुझे, मैं बिहार का हूँ इसलिए मुझे मालूम है। हाँ, रिलेट कर पा रहे हैं। फाइव स्टार, अच्छी, इंटरेस्टिंग है, सेम ओल्ड स्टोरी है लेकिन एक्टिंग अच्छा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वो काफ़ी अच्छा कपल है, ऑन स्क्रीन अच्छा कपल है, तो एंटरटेनिंग था। ओके, कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है, जो कॉन्सेप्ट लाया है मूवी में? ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है, खाली वो कपल एज ए न्यू एक्टर्स अच्छे दिखते हैं। ओके, कितना स्टार देना चाहिए पार्ट ऑफ? अभी टू एंड हाफ टू थ्री स्टार्स। थैंक यू। बहुत अच्छी है, काफी एंटरटेनिंग है, फनी है, ह्यूमर है, गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनकी हंसी तो फंसी में भी केमिस्ट्री बहुत लोगों को पसंद आई थी, और ये वाली मूवी में ऑब्वियसली डिफरेंट है पर बहुत ही अच्छी है। हाँ,
काफ़ी वो खास बात सबसे अच्छी ये है कि उन लोगों ने काफ़ी रियल रखा है, लोकेशंस आर रियल और उन लोगों का स्टाइलिंग वगैरह और उनके बात करने का उस पर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है कि वहाँ पे कहीं मिस्टेक ना हो जाए उनके डायलॉग्स पे और वो जो उनकी हरकतें हैं और जो प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती है उसको लेके काफ़ी अच्छे से ऐसा लगता है रिसर्च करके आपके ध्यान मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है मूवी में। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, डेब्यू डायरेक्टर होके उन्होंने बहुत अच्छा किया है काम। जितना मैं देख पा रही थी कि सब लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे, लास्ट तक भी कुछ कुछ डायलॉग्स पे लोगों को हंसी आ रही थी तो काफ़ी कनेक्टिंग थी, ऐसी बोरिंग मूवी नहीं थी, एंटरटेनिंग थी। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, द हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग वॉज देयर, लव सॉन्ग वॉज देयर की होंदा प्यार और ख्वाब फरोशी, तो उसमें उनका जो इमोशनल कनेक्ट बताया है वो बहुत अच्छा है। आई रियली लव द सेकेंड पार्ट, वो बहुत अच्छा था। ख्वाब फरोशी की होंदा प्यार और सिद्धार्थ मल्होत्रा का डांस था वजीला हिला ले। नो आई कांट सिंग दैट। 5/5%। अच्छी लगी है। क्या खास बात थी फिल्म में? खास बात वो बिहार के ऊपर जो बनाई है स्टोरी, दहेज के ऊपर, वो अच्छी लगी। हाँ दे रही है, जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता, न प्यार न शादी, जो लास्ट में जो डायलॉग है वो अच्छा है। अच्छी है दोनों की, जम रहा है। अच्छा बोरिंग तो नहीं है, कॉमेडी है, सब है, गाने हैं, सब कुछ है। डायरेक्शन ठीक है, गाने कैसे लगे? ठीक है, लास्ट गाना अच्छा है, टाइटल सॉन्ग जो लास्ट में जो गाना है ना टैटू वाला, दो लाइन अगर गा सके तो। याद नहीं आ रहा है। अच्छा आउट ऑफ कितना देना चाहिए? 3। आपने जस्ट अभी जबरिया स्टोरी देखी तो मूवी के बारे में क्या बोलना चाहिए, कैसी लगी जबरिया स्टोरी? मूवी बहुत अच्छी लगी, लव स्टोरी भी अच्छी थी एंड डायलॉग्स भी उसके बहुत अच्छे लगे। 5/5 डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहिए? वो भी बहुत अच्छे थे। सिद्धार्थ और परिणीति केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहिए? वो भी बहुत अच्छे थे। गाने के बारे में? गाने भी अच्छे थे, मूवी अच्छी तो गाने भी अच्छे होंगे ना। आउट ऑफ 5 कितना? 5/5। थैंक यू, यू आर वेलकम। अमेजिंग, आई लव सिद्धार्थ मल्होत्रा। परिणीति और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री के बारे में? बहुत अच्छी है, एक्चुअली दे शेयर अ वेरी गुड फ्रेंडशिप ऑफ स्क्रीन, तो वो बहुत कंफर्टेबल लगता है ऑन स्क्रीन देखने में। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना? डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, डेब्यू डायरेक्टर है तो भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, सोशल मैसेज को एक अच्छा फनी टेक लेके एंटरटेनिंग वे में दिखाया है एंड द सेकेंड हाफ इज रियली रियली अमेजिंग। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, काफ़ी कनेक्टिंग है एंड सिचुएशन को लेके अच्छे से सेट किया है, अच्छा है। बिहार के कहानी पे बेस्ट है, इसके बारे में क्या बोलना? हाँ, लैंग्वेज के बारे में? हाँ वो पूरा बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है, वहाँ का एक लहजा होता है एंड एक्सेंट होता है, तो वो काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने सिद्धार्थ पर या इवन द सपोर्टिंग कास्ट उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, द डायलैक्ट एंड द एक्सेंट एंड द वाइब्रेंट कलरफुल लाइट हार्टेड एवरीथिंग इज देयर। बेस्ट पार्ट ऑब्वियसली द रोमांस बिटवीन देम। 5/5 इज माय फेवरेट। जबरिया जोड़ी क्या बोलना चाहिए, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, सुपर। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जो भी है एडुकेशन वगैरह जो भी है, फिर से इन लोगों की जो लव स्टोरी है ना एकदम फंटास्टिक, एकदम फाड़ू है। जब वो अपना शादी छोड़ गया और इससे आता है शादी करने ना, वहाँ का जो सीन है ना इतना मस्त है कि मैं बता नहीं सकती। सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना? सुपर। फिल्म के गाने के बारे में? सारे गाने बहुत अच्छे थे, लोकेशन जो बहुत अच्छा था बस। वही जो मैं बताई, जो शादी अपने शादी का मंडप अपना छोड़ के और इसके मंडप पे आता है और फिर इतने सारे, बहुत अच्छा था, सुपर। बिहार की कहानी पे बेस्ट फिल्म है, तो लोगों को कितना अट्रैक्ट करेगा, क्या बोलना चाहेंगे? 4/4। गाने के बारे में आइटम सॉन्ग दिए तो आपका फेवरेट गाना इसमें कौन सा है? मुझे सारे गाने बहुत अच्छे लगे, सो अभी तक कोई फेवरेट नहीं। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? 4/4। ओके थैंक यू। जबरिया जोड़ी क्या बोलना चाहेंगे, कैसी लगी मूवी? काफ़ी अच्छी है, उसका जो सब्जेक्ट वो लोग ने एड्रेस किया है मूवी में
वो इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्ती शादी का, तो उस हिसाब से ये मूवी बनी तो अच्छा है। स्टोरी के बारे में क्या बोलना चाहिए, कितने अच्छी है, क्या लगा? ये स्टोरी है जो सब्जेक्ट उन्होंने एड्रेस किया ना, लेकिन थोड़ा ओल्ड स्टाइल में ही किया है। लास्ट में शादी में हीरो आता है और फिर वो छीन जाता है, थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ज़बरदस्ती शादी होती है उसके ऊपर एड्रेस, इसको और इंटेंस तरीके से बनाया जा सकता था।